कैपेसिटर और बात करते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये बेटे लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला ही लिखा था और इसको डिराइव नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। बेटा जब भी आप बेटे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की बात करते हैं तो आप ये बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को इमेजिन कर लेते हैं कि ये आपके पास दोनों प्लेट्स हैं आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये भी हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस प्लेट बी गिवन द पॉजिटिव चार्ज एंड लेट दिस प्लेट बी गिवन द नेगेटिव चार्ज। बेटे हमने इस केस में बेटा क्या करना है कि इसकी चार्जिंग के लिए एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है या एक चार्जर आप कह लीजिए वो आपने अडॉप्ट कर लेना है। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द चार्जर वी आर यूजिंग बेटा, और जो चार्जर है इसको आपने कुछ इस तरीके से लगा रखा है इन दिस वे बेटा, राइट जी बेटे। और बच्चों इसके प्लेट्स के बीच में वी के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस उत्तर होगा क्यों, बिकॉज आपका जो पॉजिटिव प्लेट है इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड डियर चिल्ड्रन जो नेगेटिव प्लेट है दैट इज एट द लोअर पोटेंशियल। अब हमारा चार्जर बेटे क्या करेगा, इमेजिन कर लेते हैं कि सी आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बेटे। हाँ जी बच्चे कम है मैम इधर। बेटे डियर चिल्ड्रन सी द मैसेज फ्रॉम योर क्लास इन चार्ज मैम, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सी बेटे आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने इमेजिन कर ली, बी बेटे इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और इमेजिन कर लीजिए डी क्यू चार्ज जो है दैट इज बीइंग शिफ्टेड बाय द चार्जर फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और ये कितना बेटे चार्ज शिफ्ट हुआ है, रादर ये स्मॉल डी क्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, और फर्दर मोर आप इमेजिन कर लेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको आपका चार्जर ट्रांसफर कर रहा है। बड़े ध्यान से जरा समझिएगा, इसमें से जब ये नेगेटिव चार्ज को एक्सट्रैक्ट करके इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट को देगा आपका चार्जर, तो इसके लिए यहां से पॉजिटिव चार्ज प्लेट में से नेगेटिव चार्ज को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा बिकॉज दीज आर अपोजिट चार्जेस। इसको चार्जर को वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क डन जो है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन साइड योर बेटा कैपेसिटर इन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो मान लो यहां से अगर एक नेगेटिव चार्ज इसने निकाला तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया बेटा। सो इन दिस वे आपका चार्जर बेसिकली क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट को और ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव को और ज्यादा नेगेटिव, और इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ये बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो डियर चिल्ड्रन आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है बेटा जब भी आप निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये कहीं आप डेफिनेशन पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, और आपका वर्क डन बेटे जो होगा दैट विल बी पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा बेटा। डियर चिल्ड्रन यहाँ पे नो डाउट पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी के बराबर का ही है दोनों प्लेट्स के बीच में, लेकिन चार्ज क्यू के बराबर का नहीं है, दैट इज डी क्यू चार्ज यू आर शिफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ द चार्जर। क्योंकि छोटा सा चार्ज आप शिफ्ट कर रहे हो वर्क डन भी बड़ा छोटा होगा, इट विल बी वी इंटू डी क्यू बेटा। आप जब इतना चार्ज शिफ्ट कर रहे हो अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दिस मच वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द चार्जर बेटा। डियर चिल्ड्रन यू नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और बेटा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो।
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू आ जाएगा जी बेटे। अब आप टोटल चार्ज जो है आपकी प्लेट्स पे उसको वर्कआउट करना चाहते हैं, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है और टोटल चार्ज ट्रांसफर होने में वर्क कितना करना पड़ा है, लेट दैट बी डी डब्ल्यू। डब्ल्यू बेटा आपको डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इट विल बी बेटे क्यू बाई सी इंटू डी क्यू के बराबर आपका बेटे वर्क डन आ जाएगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका सी देखिए कॉन्स्टेंट है, आप इस वर्क डन को निकालने के लिए सी को ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, इट इज क्यू इंटू डी क्यू। और आपका चार्ज पहले मान लो प्लेट्स पे कोई था ही नहीं चार्जिंग जब आपने स्टार्ट किया है, और जो टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड है लेट दैट बी इक्वल टू क्यू, वर्क डन ही आपका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इट विल बी वन बाई सी एंड क्यू स्क्वायर बाई टू बेटा, जीरो टू कैपिटल क्यू आपका आ जाएगा बेटे यहाँ पे लोअर एंड अपर लिमिट। सो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास बेटे बन गया वन बाई टू एंड क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दिस मच एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब हम बेटे क्या कर रहे हैं कि सी की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे या क्यू की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे और आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मिल जाएगा। लेट अस बेटे डू दैट ऑल्सो। आपने अभी अभी देखिए यहाँ पे लिखा था सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और डियर चिल्ड्रन आपका टोटल चार्ज जो है सी इंटू वी के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये वैल्यू जो है क्यू की वो वहां से निकाल के डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस वहां से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एनर्जी ई इट इज इक्वल टू वन बाई टू सी स्केयर बी स्केयर अपॉन सी हो जाएगा बेटा, एक सी आपका यहाँ पे देखिए ये एडजस्ट हो जाएगा, और आप इसको एनर्जी को बेटा वन बाई टू सी बी स्केयर इस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। कई बार बेटे हमें जरूरत पड़ जाती है इसके दूसरे एक्सप्रेशन की, वहां पे आप बेटे सी की जगह पर इस इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। आइए देखें आपके पास बन जाएगा एनर्जी ई इज इक्वल टू वन बाई टू सी, और बी था आपका बेटा क्यू अपॉन सी, इसका सारे का कंप्लीट स्क्वायर। आई थिंक हमें हमारा एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। और स्टिल अगर आप बेटे यहाँ पे सी की वैल्यू डाल दोगे क्यू अपॉन बी तो आपको स्टिल एन अदर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, सी आपके पास है बेटा क्यू अपॉन वी इट इज देयर एंड एक वी आपका कट जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड वन बाई टू इंटू क्यू इंटू वी आपको मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर चाहे इस फॉर्म में ले लीजिए, इस फॉर्म में ले लीजिए, चाहे इस फॉर्म में ले लीजिए, आपको मिल जाएगा बेटा। अब बेटे डियर चिल्ड्रन बड़ा जरूरी हो जाता है जब हम बेटे एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। एनर्जी तो आपने निकाल लिया, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? आपको याद होगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमने इंडक्टर में निकाला था बेटा, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट। आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के बीच में भी पता होना चाहिए। आइए देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को आप यू ई बार से डिनोट करते हो बेटा, और ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बेटे। ये अगर आप इसको पूरा कैपेसिटर मान लेते हो इसका बच्चों वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज रिक्वायर्ड। और वॉल्यूम बेटे आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाई द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बराबर हुआ करता है। आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाएगा जी, एनर्जी था आपका वन बाई टू सी एंड वी का स्क्वेयर, और वॉल्यूम की जगह पे आपने एरिया ऑफ सरफेस एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आपने लिया। और कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट इनटू ए
अपॉन डी आपने कल इसको वर्कआउट किया था, और डियर चिल्ड्रन आपका जो वी है ये भी आप जानते हैं ई इंटू डी के बराबर है। आप सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वी की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको एनर्जी डेंसिटी उत्तर मिल जाएगा। आइए एक बार इसको सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपके पास बेटा बन गया 1/2, सी की जगह पे मैंने लिख दिया जी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी बेटा, और वी की जगह पे मैंने लिखा ई इनटू डी, इसका स्क्वायर भी है एज सच, डिनोमिनेटर में ए इनटू डी लिख दिया, एक डी एक डी, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये आपका कैंसल आउट हो गया, एक एरिया ये भी कैंसल आउट हो गया, यू ई बार इट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर, ये आपके पास बेटे कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी जो है कैपेसिटर की ये निकल आती है बेटा। सो व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो दीज आर द स्टेप्स बेटे विच मस्ट बी फॉलोड। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ बेटे, ये सारे के सारे स्टेप्स बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, एनर्जी आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर है, वॉल्यूम को आप एरिया इनटू डी लिख सकते हो, बी की वैल्यू वी इनटू डी निकाल कर आप पुट कर सकते हैं। सो इन दिस वे आपके पास बेटे एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है ये निकल आता है, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा, एनर्जी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स एंड ऑल दैट बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस व्हेन आप बेटे अपने कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग कर दिया करते हैं। आइए बेटे देखें सारे का सारा ये कंप्लीट करके कि कैसे हम ये निकाल पाएंगे। बच्चों लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट एंड सी हाउ वी विल बी गेटिंग अप विद द एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट बेटा। सो लेट अस है बेटा लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। आपको बेटे चार्जेस दो कैपेसिटर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर चार्जेस आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज कैपेसिटर नंबर वन हैविंग कैपेसिटी से सी वन एंड चार्ज से क्यू वन ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और वी वन इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। एक और कैपेसिटर है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है ये दोनों, एंड इमेजिन वी टू इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट्स, क्यू टू इज द चार्ज, सी टू इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। जब आप बेटे दोनों चार्जेस की बात करते हो क्यू वन और क्यू टू की, नेट चार्ज आपके पास कॉम्बिनेशन का नहीं, मैं कह रहा हूँ टोटल चार्ज दोनों का इंडिपेंडेंटली अगर आप ऐड कर लेते हो इट विल बी क्यू वन प्लस क्यू टू आ जाएगा, एंड इट इज वेल नोन टू यू दैट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी, राइट बेटा। सो टोटल चार्ज आपका जो है सिस्टम का दिस इज इक्वल टू क्यू वन की जगह पे आपके पास आ जाएगा जी सी वन वी वन, इसको देखिए ध्यान से, इट विल बी सी टू इंटू वी टू, दिस इज द नेट चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर्स विदाउट गेटिंग देम कंबाइंड इन एनी वे। अब आपने बेटे इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने पे क्या हुआ, आपके दो कैपेसिटर्स जब आपने ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, कॉम्बिनेशन का जो कॉमन पोटेंशियल है लेट इट बी बेटे वी, और चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पर बराबर हो जाएगा बिकॉज आपने इनको बेटे कनेक्ट कर दिया है, रादर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे आपका जो है अब नेट चार्ज क्यू जो है, अगर आप क्यू वन फर्स्ट पे क्यू टू सेकेंड पे चार्ज की बात कर लेते हो तो इट विल बी सी
वन पहले की कैपेसिटी है, वी पहले का प्लेट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, सी टू आपके सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी, और बी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि कॉमन पोटेंशियल है। अब आप बेटे देखिए कि चार्ज जितना आपका बिगिनिंग में था उतना ही आपका चार्ज जो है एंड में भी होना चाहिए। सो आप इक्वेशन नंबर वन एंड टू को बेटे कंपेयर कर दीजिए, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, इट इज सी वन बी प्लस सी टू इन टू बी आ जाएगा, सी वन वी वन सी टू वी टू, सी वन प्लस सी टू इन टू वी आप कर लीजिए। कॉमन पोटेंशियल आपके सिस्टम का कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम है, इट इज सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, आपको बेटे ये कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। अब बच्चों हमारा मेन पर्पस कॉमन पोटेंशियल निकालना नहीं था, हमारा एम है टू वर्क आउट द लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस। जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हो, तो मे बी इन द फॉर्म ऑफ द स्पार्किंग और साउंड और हमिंग साउंड रादर कह दूं मैं, तो एनर्जी का लॉस हो जाया करता है, हमें वो लॉस ही निकालना है बेटे। सो आपके पास बेटे जब आपने कंबाइन नहीं किया था तब एनर्जी पहले कैपेसिटर की थी 1/2 सी वन वी वन स्क्वेयर, आपने अभी अभी एक्सप्रेशन किया है, दूसरे कैपेसिटर की 1/2 सी टू वी टू स्क्वेयर, और कॉम्बिनेशन की 1/2 बेटा सी वन प्लस सी टू पैरेलल में आपने लगा रखा है इन टू वी स्क्वेयर आपको मिल जाएगा। चेक करके बताइएगा बेटा, इज इट करेक्ट, कोई टर्म कम या ज्यादा तो नहीं लिखी गई बेटा? यस बेटे डियर चिल्ड्रन, मानविया, सिया, अवि, सुप्रिया, क्षितिज, गुंजोत, बेटा चेक करके बताइए। ओके बेटे नाइस। अब आप बेटे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको एनर्जी का लॉस मिल जाएगा कि कितना आपकी कैपेसिटर्स की एनर्जी का लॉस हुआ है जब आपने ग्रुपिंग कर दी है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस। आओ बच्चों मैं आपको एक बार वर्कआउट करके बता देता हूं। डेल्टा ई आपके पास था 1/2 सी वन वी वन का स्क्वेयर प्लस 1/2 सी टू वी टू का स्क्वेयर माइनस 1/2 सी वन प्लस सी टू। ये देखिए V आपका दोनों का कॉमन पोटेंशियल था और ये कॉमन पोटेंशियल है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इसका स्क्वायर बेटा, इस तरीके से हमने कर दिया। जरा साथ साथ आप भी खुद भी करके देख लीजिएगा बेटे, इट विल बी ए लॉट ऑफ यूज इन द एंड। कई बार एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो इट विल बी 1/2 सी वन वी वन का स्क्वायर 1/2 सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस 1/2 सी वन प्लस सी टू बेटा, और बेटे ये आपके पास बन गया सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इसका सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू इसका सारे का स्क्वायर। ये एक पावर बेटे इसके साथ कैंसल आउट हो गया। देन बेटे आपके पास बचा 1/2 सी वन वी वन का स्क्वायर 1/2 सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस 1/2, इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा हूं मैं बेटा, सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर प्लस 2 सी वन वी वन सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। ये चीज बेटे आपके पास बन जाती है। तो एलसीएम वगैरह लेकर अब बेटे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप साथ साथ खुद भी करिएगा बेटा ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए बेटा। दिस इज ट्वाइस सी वन प्लस सी टू और ये आ गया सी वन
v1 का स्क्वायर c1 प्लस c2 प्लस c2 v2 का स्क्वायर c1 प्लस c2 माइनस c1 v1 का स्क्वायर माइनस c2 v2 का स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 एंड v2 बेटा। बेटे चेक करते जाइएगा साथ साथ। बेटे इसको मैं ब्रैकेट को एलिमिनेट कर रहा हूं एंड लेट अस फाइंड आउट कि हमें इस ब्रैकेट को रिमूव करने पे क्या मिल जाता है। बेटे सो वी विल बी हैविंग दैट दिस इज इक्वल टू योर ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2 डिनोमिनेटर में पड़ा ही है। इट इज c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर c1 c2 v1 का स्क्वायर देन बेटा c2 v2 का स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 एंड v2। बेटे चेक कर लीजिए वैसा अच्छा। और देखिए ये टर्म आपकी कट रही है, ये कट रही है और इधर आपके पास बेटे नहीं, ये c1 का स्क्वायर भी था साथ में, ये भी था, ये टर्म हमारा एक रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया। चेक कर लीजिएगा। अब हमारे पास बचा c1 c2 v1 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर 2 c1 c2 v1 v2 बेटे। अब आप देखिए c1 एंड c2 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। आप c1 और c2 को कॉमन ले लीजिए, बाकी आपके पास बच गया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 ये चीज बची बेटा। इन द डिनोमिनेटर इट इज ट्वाइस c1 प्लस c2। और अब आप थोड़ा सा टर्म्स को बेटे डियर चिल्ड्रन री एडजस्ट कर लीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड लॉस एनर्जी का मिल जाएगा जी। इट विल बी c1 c2 v1 माइनस v2 का बेटा स्क्वायर कंप्लीट। इन द डिनोमिनेटर इट इज ट्वाइस c1 प्लस c2 है। c1 c2 कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये स्क्वायर है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑल ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पॉजिटिव है सारा, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसका डियर चिल्ड्रन मीनिंग ये हुआ कि जब भी आप बेटे अपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देते हो, ग्रुप कर देते हो, देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी ऑन ग्रुपिंग द कैपेसिटर्स बेटे, और वो जो लॉस है दैट इज ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। इट आल्सो मींस दैट कि आपकी एनर्जी जो है कैपेसिटर्स की वो गई कहाँ पे फिर बेटे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। इट विल मीन दैट कि जब भी आप ग्रुपिंग करते हो, आपकी कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की वजह से बेटा स्पार्किंग की वजह से लॉसेस हो सकते हैं, हमिंग साउंड हो सकता है उसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं, और ये सारे के सारे लॉसेस जो हैं आपके लॉस इन एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं बेटे। सो डियर चिल्ड्रन एक बार बता दीजिए कोई डाउट इसमें है तो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग अहेड विद द डिस्कशन। बेटा मानवी अवतर, सिया, उपल, अवि उपल, सुप्रिया, क्षितिज, गुंजोत, आज बड़े कम बच्चे दिख रहे हैं। यस बेटा, ओके बेटे, नाइस। छोटा सा बेटे पॉइंट और डिस्कस करूंगा, उसके बाद वी विल स्टॉप। आपको दो बेटे ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स के बेसिस पे मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं, सिंपल सिंपल बात है बेटा। जरा कैपेसिटर्स को ध्यान से देख लीजिएगा, एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर इस तरफ है, एक कैपेसिटर इधर आपने अटैच कर रखा है बेटे, और इसके बाद आपके पास एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, दिस इज 2 माइक्रो फैरेड एंड
1 माइक्रोफेरिड एंड 2 माइक्रोफेरिड, ये कॉम्बिनेशन ये है इसका। आपको बेटा कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी निकालना है। एंड डियर चिल्ड्रन, एक आपके पास कुछ इस तरीके का ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स दिया गया है। दीज आर द 2 और 3 कैपेसिटर्स गिवन टू यू, इनके अक्रॉस एक और कैपेसिटर अटैच किया गया है। दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, 2 माइक्रोफेरिड 3 माइक्रोफेरिड 3 माइक्रोफेरिड एंड बेटा इट इज अगेन 3 माइक्रोफेरिड। ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की निकालनी है बेटे। विल यू बी वर्किंग आउट बेटा, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन? हाँ जी बेटे, मानविया, सुप्रिया, क्षितिज, गुंजोत, अवि उपल, आपकी आवाज बच्चों नहीं आ रही है। फर्स्ट का 2/3 अभी ने निकाल दिया है। ये दोनों आपके बेटे देखो लगे हुए हैं पैरेलल में, पैरेलल, यस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट कैपेसिटी बेटे 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब ये इनका रिजल्टेंट और ये तीनों सीरीज में है, तो आपके पास 1/C आ जाएगा। 1/2 + 1/2 + 1/2 दिस इज 3/2 एंड सी इफेक्टिव कह दीजिए आप, इट इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफेरिड। तो ये कैपेसिटी आपकी कॉम्बिनेशन की बन जाती है पहले वाले की। और बेटे दूसरे वाले का भी निकालना जरा, सारे स्टूडेंट्स का इसकी भी निकालिएगा। हाँ जी बेटे, मानविया अभी 1/10, लेट मी सॉल्व, आप साथ साथ कर लीजिए। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला सीरीज में लगे हुए, इसका मतलब है इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 1/3 + 1/3 = 2/3 एंड सी सीरीज बन गया 3/2 माइक्रोफेरिड। इनका 3/2 माइक्रोफेरिड हो गया, ये इसके साथ पैरेलल में है, और ये आपके पास बन गया 3/2 + 3 एंड इट इज 3 + 6/2 9/2 आ गया। ये सारे का 9/2 आ गया, 9/2 और ये 2 ये सीरीज में है, तो 1/C' बन गया 1/2 + 1/9/2 1/C' बन गया 1/2 + 2/9 और दिस इज इक्वल टू 18/4। जरा चेक करिएगा बेटा सारे स्टूडेंट्स, 18/13 माइक्रोफेरिड मेरा आ रहा है, 1/10 नहीं आ रहा। अभी उपल, अभी, हाँ जी सर, बेटे इतना ही आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वो सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ओके बेटे, ओके ओके। मान भी आप उत्तर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, सिया की आवाज नहीं सुनाई दी, देन बेटे सुप्रिया एंड क्षितिज कुंजोत, बच्चों इज इट ऑल राइट बेटे? ओके डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड बेटे। आपका कोई और पॉइंट है तो बता दीजिए बेटे। यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, कोई आपकी बात कहने वाली या बताने वाली है तो बता दीजिए। ओके बेटे, थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू सर।